हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो देखिए, हम लोग 9th क्लास के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा आपकी बुक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, रीट के सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, RAS तक, तो वहाँ पर आपके राजस्थान का GK जो है उसमें से यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन 1 देखिए, बांकी दास किसके राजकवि और काव्य गुरु थे? बांकी दास किसके राजकवि थे और काव्य गुरु भी थे? तो ये जोधपुर नरेश मान सिंह के राजकवि भी थे और उनके काव्य गुरु भी थे। डूंग जी और जवाहर जी ने किस अंग्रेज छावनी को लूटा? डूंग जी और जवाहर जी, जो कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़े देशभक्त रहे हैं और बहुत ही बढ़ चढ़कर जो है इन्होंने भाग लिया था, तो ये किस अंग्रेज छावनी को लूटते हैं? तो ये नसीराबाद अंग्रेज छावनी को लूटते हैं। डूंग जी और जवाहर जी किस क्षेत्र के निवासी थे? किस क्षेत्र के निवासी थे डूंग जी और जवाहर जी? तो ये सीकर क्षेत्र के निवासी थे। ठीक है, डूंग जी जो है शेखावटी ब्रिगेड में रिसालदार थे और ये दोनों जो हैं चाचा भतीजे थे। नेक्स्ट देखें, 1857 की क्रांति की शुरुआत में किस कवि के दोहों में स्पष्ट होती है? यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई तो उसका जो स्वागत है किस कवि ने किया अपने दोहों में? तो यहाँ सूर्यमल मिश्रण या सूरजमल मिश्रण जिनको कहा जाता है, तो उन्होंने 1857 की क्रांति का जो स्वागत है वह अपने दोहों में किया। कौन से क्रांतिकारी काका भतीजे के नाम से प्रसिद्ध हुए? तो हमने देखा सीकर के जो डूंग जी जवाहर जी थे वो काका भतीजे के नाम से प्रसिद्ध हुए थे 1857 की क्रांति में। डूंग जी को अंग्रेजों ने किस दुर्ग में बंद किया था? डूंग जी को अंग्रेजों ने किस दुर्ग में बंद किया था? तो इनको आगरा के दुर्ग में बंद किया गया था। किस में किया गया था बंद? आगरा के दुर्ग में इनको बंद किया गया था। डूंग जी का निधन कहाँ हुआ? डूंग जी का निधन जो है वह कहाँ हुआ? तो इनका निधन जो है वह जोधपुर के दुर्ग में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? डूंग जी का निधन जो है वह जोधपुर के दुर्ग में हुआ था। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डूंग जी जो हैं इनको आगरा के दुर्ग में बंद किया गया था, लेकिन इनका निधन कहाँ हुआ? जोधपुर के दुर्ग में हुआ था। राजस्थान का पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन था जिसे सर्वप्रथम फांसी हुई? राजस्थान का सबसे पहला स्वतंत्रता सेनानी जिसको सबसे पहले फांसी हुई थी, तो वह थे अमरचंद बाठिया, और ये कहाँ के थे? बीकानेर के थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 9, अमरचंद बाठिया ने अपनी पूरी संपत्ति किसे देने का प्रस्ताव रखा था? अमरचंद बाठिया जो कि बीकानेर के थे और देश के जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 का, तो यहाँ इन्हें सबसे पहले फांसी पर लटकाया गया था। इन्होंने जो है अपनी पूरी संपत्ति तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव रखा था। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? बिजोलिया आंदोलन में सबसे अहम जो भूमिका है विजय सिंह पथिक की रही है, तो इनका जो मूल नाम था भूप सिंह था। क्या नाम था? भूप सिंह। विजय सिंह पथिक ने किन संगठनों की स्थापना की थी? विजय सिंह पथिक ने किन संगठनों की स्थापना की थी? तो विजय सिंह पथिक ने वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ, इन संगठनों की स्थापना की थी। भारत के किसान आंदोलनों का जनक किसे कहा जाता है? भारत के किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो विजय सिंह पथिक को कहा जाता है किसान आंदोलन का जनक। विजय सिंह पथिक द्वारा कौन से समाचार पत्र चलाए गए? विजय सिंह पथिक के द्वारा कौन से समाचार पत्र चलाए गए? तो इनके द्वारा राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान जैसे समाचार पत्र जो हैं चलाए गए, और इनके माध्यम से राजस्थान में जन जागृति फैलाने का कार्य इन्होंने किया। लोठू निठारवाल का जन्म कहाँ हुआ था? लोठू निठारवाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जाट परिवार में हुआ था सीकर जिले में 1804
ईस्वी में। लोठू जी निठारवाल का जन्म जो है सीकर जिले में हुआ था 1804 ईस्वी में, एक जाट परिवार में। अर्जुन लाल सेठी द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? अर्जुन लाल सेठी ये जयपुर के थे, तो किस संगठन की स्थापना जो है वो की गई थी? तो जैन शिक्षा प्रचारक समिति जो है इसकी स्थापना इन्होंने की, जो कि 1905 में की थी। ठीक है, जैन शिक्षा प्रचारक समिति के तत्वाधान में किन शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई? जैन शिक्षा प्रचारक समिति के तत्वाधान में किन शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई? तो इसमें वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय ये चलाए गए थे। ठीक है, जहां पर क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित किया जा सके। तो जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा है, चैप्टर पढ़िए, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा आसान लगेंगे। ठीक है, इनको बार बार रिवाइज करिए, तभी आपको ये याद हो पाएंगे। किसने अर्जुन लाल सेठी को जयपुर का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी? किसने अर्जुन लाल सेठी को जयपुर का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी? तो जयपुर के नरेश माधव सिंह सेकंड ने, माधव सिंह द्वितीय ने इनको राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी। ठीक है, और इस पर जो है अर्जुन लाल सेठी ने मना भी कर दिया था कि अर्जुन लाल सेठी यदि नौकरी करेगा तो इन अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? अर्जुन लाल सेठी की रचनाएं कौन सी हैं? अर्जुन लाल सेठी की रचनाएं जो हैं वह कौन सी हैं? तो इनकी रचनाओं के नाम हैं शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार, तो ये सभी पुस्तकें किसकी हैं? अर्जुन लाल सेठी की हैं। केसरी सिंह बारहट का जन्म कहाँ पर और किस वर्ष हुआ? केसरी सिंह बारहट का जन्म कहाँ पर और किस वर्ष हुआ? तो इनका जन्म जो है देवपुरा गांव में, शाहपुरा रियासत, 1872 ईस्वी में हुआ, और इनकी मृत्यु 1941 में हुई थी। चेतावनी राचुंगटिया किसकी रचना थी? चेतावनी राचुंगटिया किसकी रचना थी? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के जो है वो मैं बिल्कुल उसी का आंसर जो है वो बताती हूँ। उसका रीजन क्या है कि आप लोग क्वेश्चन देखकर उसका आंसर ही याद करें। ऑप्शन आपके चार एग्जाम में आपको मिलते हैं तो आप जो है इधर उधर ना भटकें और अपने जो है सटीक उत्तर पर आ जाएं। तो इसीलिए यहाँ ऑप्शन जो है वो मेरे द्वारा नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि आपको याद इसी तरीके से होंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि चेतावनी राचुंगटिया किसकी रचना थी? ऑप्शन में आ जाएगा अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, ठीक है, केसरी सिंह बारहट, या फिर आपके आ जाएगा अमरचंद बाठिया। तो आपको उसका सही आंसर लगाना है। तो इनकी किसकी रचना थी? ये केसरी सिंह बारहट की रचना थी। क्वेश्चन 21 देखिए, चेतावनी राचुंगटिया नामक 13 सोरठे पढ़कर कौन सा शासक प्रभावित हुआ था? तो जो कि केसरी सिंह बारहट द्वारा लिखा गया था, जिसमें उदयपुर के महाराणा जो फतेह सिंह हैं इनको दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए केसरी सिंह बारहट ने 13 सोरठे जो हैं वो पढ़कर उनको सुनाए थे, और महाराणा फतेह सिंह जो हैं उन्होंने जाने से फिर इनकार कर दिया था। ठीक है, केसरी सिंह बारहट ने किस संगठन की स्थापना की? केसरी सिंह बारहट ने किस संगठन की स्थापना की? तो इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की, जो कि 1910 में की। वीर भारत सभा जो संगठन है उसकी जो स्थापना है वो किसने की? केसरी सिंह बारहट ने की 1910 में। नेक्स्ट देखें, केसरी सिंह बारहट के पुत्र का क्या नाम था? केसरी सिंह बारहट के पुत्र का क्या नाम था? तो इनके पुत्र का नाम था प्रताप सिंह बारहट, कुंवर प्रताप सिंह बारहट। प्रताप सिंह बारहट ने किसके सानिध्य में देश सेवा की शिक्षा प्राप्त की? प्रताप सिंह बारहट ने किसके सानिध्य में देश सेवा की शिक्षा प्राप्त की? तो इन्होंने मास्टर अमीर चंद के सानिध्य में देश सेवा की शिक्षा प्राप्त की। किस घटना के कारण प्रताप सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया? किस घटना के कारण प्रताप सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया? तो बनारस कांड जो है उसकी वजह से प्रताप सिंह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था।
क्वेश्चन 26 देखिए, 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह की मृत्यु कब हुई? यानी प्रताप सिंह की मृत्यु जो है वो बहुत छोटी उम्र में हो गई थी, 22 वर्ष के थे जब, ठीक है, तो ये शहीद हुए थे और 1918 ईस्वी में जो है ये शहीद होते हैं। किस अंग्रेज अधिकारी ने प्रताप सिंह से राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रोती हैं? तो भारत सरकार का गुप्तचर निदेशक था सर चार्ल्स क्लीवलैंड। तो इसने जो है वो बहुत सारी घोर यातनाएं जो है वो कारावास में इनको दी प्रताप सिंह को, और कहा कि अपने जो है साथियों का नाम बताएं, लेकिन फिर भी जो है ये अड़े रहे, इन्होंने अपने साथियों का नाम नहीं बताया। तो इस वजह से बरेली जेल में क्लीवलैंड जो है उन्होंने इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए इनको ये कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए जो है वो सदा रोती हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ये अपने जो है बातों पर अड़े रहे। और इन्होंने क्या जवाब दिया कि मैं जो है वो सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता, मेरी माँ को रोने दो। नागौर में चरखा संघ तथा खादी भंडार की स्थापना किसने की? नागौर में चरखा संघ तथा खादी भंडार की स्थापना किसने की? बाल मुकुंद बिस्सा ने नागौर में चरखा संघ और खादी भंडार की स्थापना की। किसने की? नागौर में चरखा संघ और खादी भंडार की स्थापना बाल मुकुंद बिस्सा ने। कालीबाई कहाँ की थी? कालीबाई कहाँ की थी? तो हमने कई बार जो है पिछले जो क्लासेस है उसमें भी हमने देखा कि कालीबाई थी डूंगरपुर जिले की, रास्तापाल गांव से ये संबंधित थी, ये एक भील जो है बालिका थी। डूंगरपुर के रास्तापाल में पाठशाला किसने खोली थी? डूंगरपुर के रास्तापाल में पाठशाला किसने खोली थी? तो यहाँ के लोगों को शिक्षित करने के लिए नाना भाई खाट ने यहाँ पर पाठशाला खोली। रास्तापाल की पाठशाला में जो अध्यापक था वो कौन था? रास्तापाल की पाठशाला में अध्यापक कौन था? तो यहाँ सेंगा भाई जो कि कौन थे, एक अध्यापक थे, टीचर थे। कालीबाई का निधन कब हुआ? कालीबाई जो कि 13 वर्ष की एक भील बालिका थी और जिसने अपने जो मास्टर थे उनके जो अध्यापक थे तो उनके लिए जो है वो आगे लड़ने को आ गई थी, ठीक है। तो इनका निधन हुआ था 20 जून 1947 को। कब हुआ था? 20 जून 1947 को। अपने गुरु को बचाने के प्रयास में जो है इन्होंने अपना दम तोड़ा था। क्वेश्चन 33 देखिए, रमा देवी का जन्म कहाँ हुआ था? रमा देवी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जयपुर के वैद्य गंगा सहाय के घर पर हुआ था, ठीक है, और बहुत छोटी उम्र में इनका विवाह हो जाता है और ये विधवा भी हो जाती है। फिर इनका जो है वो दोबारा से इनकी शादी जो है वह की जाती है। किसे राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है? किसे राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है? तो इन बुक्स को यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर आप एग्जाम में नहीं दे पाओगे। बाल मुकुंद बिस्सा, इनको राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जोधपुर के जो बाल मुकुंद बिस्सा थे जिन्होंने नागौर में चरखा संघ और खद्दार भंड की स्थापना जो है की थी, तो इनको राजस्थान का जतिन दास कहते हैं। बिस्सा का जन्म कहाँ हुआ था? बाल मुकुंद बिस्सा जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म पीलवा गांव डीडवाना में हुआ था, ठीक है, याद रखें इनका जन्म जो है पीलवा गांव में हुआ था, पूछा जा सकता है। और डीडवाना क्या थी? तहसील थी, यहाँ इनका जन्म जो है वो होता है। सागरमल गोपा ने कौन सी पुस्तकों की रचना की? सागरमल गोपा ने कौन सी पुस्तकों की रचना की? और इनकी पुस्तकों के नाम जो है वो एग्जाम में आ भी चुके हैं और बहुत ही ऐसी पुस्तकें हैं जो कि आपको याद भी रहेंगी, आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडा राज, ठीक है। पुस्तकों के नाम ही इतने जो है वो आपको अच्छे लगेंगे कि याद हो जाएंगे। किसकी पुस्तकें हैं ये? सागरमल गोपा की, आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडा राज। तो ये खुद कहाँ के थे? जैसलमेर के थे। सागरमल गोपा को किस जेल में कैरोसिन छिड़क कर जिंदा जला दिया गया था? सागरमल गोपा को किस जेल में कैरोसिन छिड़क कर जो है वो जिंदा जला दिया गया था? तो इनको जैसलमेर जेल में,
इनको बंद किया गया था और कैरोसिन छिड़ककर जो है इनको जिंदा जला दिया गया था, ठीक है, अप्रैल 1946 को। नाना भाई घाट किस प्रजामंडल से जुड़ी पाठशाला का संचालन कर रहे थे? नाना भाई घाट किस प्रजामंडल से जुड़ी पाठशाला का संचालन कर रहे थे? तो ये डूंगरपुर प्रजामंडल से जुड़ी पाठशाला का संचालन कर रहे थे। किस पाठशाला को बंद नहीं करने के कारण नाना भाई घाट की निर्मम हत्या कर दी गई थी? किस पाठशाला को बंद नहीं करने के कारण नाना भाई घाट की निर्मम हत्या कर दी गई थी? तो रास्तापाल की पाठशाला जो है जब इन्होंने बंद नहीं की तो इनकी जो है वो हत्या कर दी गई। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसने की? विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना करने वाले थे सरदार हरलाल सिंह, ठीक है। तो इनका जन्म जो है झुंझुनू में होता है और यहाँ पर विद्यार्थी भवन जो झुंझुनू की स्थापना ये करते हैं। दैनिक नवज्योति समाचार पत्र का संपादन करने हेतु पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? दैनिक नवज्योति समाचार पत्र का संपादन करने हेतु पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी। कौन थे? कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी। अंजना देवी का जन्म कहाँ हुआ था? अंजना देवी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये रिपीट है क्वेश्चन जो कि हम छोटी क्लासेस में देख चुके हैं कि अंजना चौधरी जो कि राम नारायण चौधरी की जो है वो पत्नी थी, राम नारायण चौधरी किससे संबंधित थे? तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित रहे राम नारायण चौधरी या बूंदी किसान आंदोलन से, ठीक है। तो अंजना देवी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? तो अंजना देवी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? श्री माधवपुर सीकर में हुआ था 1897 में, ठीक है। याद रखना, अंजना देवी जो कि राम नारायण चौधरी की पत्नी थी और 1897 में इनका जन्म हुआ था सीकर जिले के श्री माधवपुर में, अग्रवाल परिवार में इनका जन्म हुआ था। अंजना देवी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो मैंने इसका आंसर अभी आपको बताया कि राम नारायण चौधरी जो है इनके साथ इनका विवाह हुआ था। क्वेश्चन 44 देखिए, समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? अंजना देवी चौधरी, ठीक है। और हमने अभी एक क्वेश्चन जो है वो देखा था कि 1857 में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे जिनको जो है अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, तो वो कौन थे? अमरचंद बाठिया। 20 जून 1947 को किसकी रक्षार्थ कालीबाई ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी? तो उनके जो अध्यापक थे सेंगा भाई, तो इनके लिए जो है इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। शेखावाटी किसान आंदोलन के दौरान महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? शेखावाटी किसान आंदोलन के दौरान महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? किशोरी देवी ने किया। किशोरी देवी ने शेखावटी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। किशोरी देवी किसकी पत्नी थी? किशोरी देवी किसकी पत्नी थी? तो ये सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी। किशोरी देवी किसकी पत्नी थी? सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी, जो कहाँ के थे? झुंझुनू जिले के थे, ठीक है। क्वेश्चन 48 देखिए, 1934 में किशोरी देवी ने किस स्थान पर विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन किया? 1934 में किशोरी देवी ने किस स्थान पर विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन किया? तो जहां पर 10,000 से भी अधिक महिलाएं जो हैं यहाँ इकट्ठी होती हैं, कटराथल नामक स्थान, और ये कहाँ है? सीकर में। जानकी देवी बजाज का जन्म कहाँ हुआ था? जानकी देवी बजाज का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म 1893 में मध्य प्रदेश के जावरा नामक कस्बे में जन्म हुआ था और ये जमना लाल बजाज की पत्नी थी। जानकी देवी का विवाह जो है किसके साथ हुआ था? तो आंसर मैंने अभी दिया आपको कि जानकी देवी का विवाह जो है जमना लाल बजाज के साथ 1902 में हुआ था, ठीक है। ये मध्य प्रदेश की थी और जन्म इनका कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के जावरा कस्बे में, ठीक है। और विवाह किसके साथ हुआ? जमना लाल बजाज के साथ।
रतन शास्त्री के पति का क्या नाम था? रतन शास्त्री के पति का क्या नाम था? तो इनके पति का नाम था हीरालाल शास्त्री। रतन शास्त्री का जन्म कब और कहाँ हुआ था? रतन शास्त्री का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 15 अक्टूबर 1912 को खाच रोड मध्य प्रदेश में हुआ था। रतन शास्त्री का जन्म जो है वो खाच रोड मध्य प्रदेश में हुआ था, रघुनाथ जी व्यास के यहाँ पर। तो ये अंतिम क्वेश्चन था आपके इस चैप्टर का, और इस चैप्टर में से देखिए 52 प्रश्न जो हैं वो निकल कर आए हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आता ही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।